नमस्कार, मैं प्रिया, पटना न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पटना की 11 फटाफट खबरों को। पटना में स्टार्टअप आइडिया प्रतियोगिता यूथस्केप की हुई शुरुआत। स्टार्टअप आइडिया प्रतियोगिता यूथ ब्रिड कैप की शुरुआत राजधानी पटना में बीते दिन से कर दी गई है। इस दौरान महिला उद्योगपति को तैयार करने के लिए ये पहल की गई है। इसमें केवल पटना विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्राओं को शामिल करने का फैसला सुनाया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पहले राउंड में आइडिया रजिस्ट्रेशन के बाद चयनित छात्राओं के लिए मैदान में ट्रेनर द्वारा 2 घंटे के बिजनेस मॉडल कैनवास की कार्य शैली देनी होगी। तो फिर इसके साथ ही छात्राएं अपने आइडिया को बेस्ट मॉडल कैनवास में भरकर सबमिट करेंगी और अंत में टॉप 10 प्रतिभागी सदस्यों के सामने रखेंगी। वैक्सीनेशन में देश के लिए पटना बना टॉप मॉडल। कोविड-19 की लड़ाई में पटना ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके तहत इसकी सराहना देश भर में हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोविड-19 के माहौल में वैक्सीनेशन को लेकर पटना में 3 ऐसे सेंटर तैयार किए गए हैं जहां 24 घंटे वैक्सीन देने का काम किया गया है। यानी कि यहां पर वैक्सीन देने की प्रक्रिया को 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया गया, जो कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ गुरु नानक भवन में बनाए गए सेंटर में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के इन 3 सेंटरों पर 11 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया गया है। पटना में जारी है शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। पटना के गर्दनी बाग में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये प्रदर्शन 8 वर्षों से बकाया वेतन नहीं देने को लेकर किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये प्रदर्शन पिछले 8 साल से बकाया वेतन नहीं देने को लेकर के तो है ही, और महाविद्यालय के अतिरिक्त शोध से पता चला है कि 70% शिक्षक कर्मियों का वेतन भुगतान करने की मांग हो रही है। एक अभ्यर्थी की माने तो महाविद्यालयों के बाद भी नामांकन की सीटों में वृद्धि आदि मांगों को लेकर बिहार राज्य डिग्री महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर शिक्षा कर्मी में प्रवेश नगर धरना दिया है। इसके साथ ही शिक्षकों का साथ देते हुए विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षकों का पूरा साथ देंगे और इस विषय पर शिक्षा मंत्री उनसे जल्द मुलाकात करेंगे। उर्स मेला की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसएसपी। कोविड-19 के कारण पिछले 2 साल से उर्स मेला का आयोजन वैसे ही नहीं हो रहा था। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल मनेर दरगाह और खानकाह में उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये मेला 13 मार्च की शाम को शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगा, यानी कि आप कुल 3 दिवसीय मेला का आनंद ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इसमें राज्य भर के हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। ऐसे में मेले की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन की टीम भी इसमें जुट गई है। पटना जिला हेमन ट्रॉफी के लिए इस दिन से होगा चयन। आने वाले दिनों में पटना जिला हेमन ट्रॉफी के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन जल्द ही होने वाला है। जो भी व्यक्ति भाग लेने की इच्छा रखते हैं वो अपने माता पिता और अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बार कोड, साथ ही दिल्ली कस्टम प्रमाण पत्र और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज लाएंगे। इसके साथ ही किसी छाया प्रति लेकर के मैदान में संयोजक को रिपोर्ट करेंगे। चयनित खिलाड़ी का 1 सप्ताह अभ्यास होगा और उसके बाद ही खिलाड़ी जहानाबाद में पहला मुकाबला 27 मार्च को खेलेंगे। आईआईटी और एनआईटी में शुरू होगी पर्यावरण की पढ़ाई। पटना के आईआईटी एनआईटी संस्थान में जल्द ही पर्यावरण की पढ़ाई शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन सभी तकनीकी संस्थानों को नोटिस जारी कर अधिसूचना जारी कर चुका है। जारी किए गए नोटिस में साफ कहा गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत पर्यावरण नीति 2020 लागू की गई है। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण की पढ़ाई होगी। इसके अलावा इन संस्थानों को पर्यावरण नीति के तहत सारे नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही AIECTE ने कहा है कि सभी IIT और NIT को वार्षिक रिपोर्ट अपने अपने वेबसाइट पर जारी करना होगा। राजधानी पटना में कोविड-19 के मामलों में जारी है गिरावट। बिहार की राजधानी पटना में कोविड-19 के मामलों में गिरावट जारी है। इस बीच बिहार भर की बात करें तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 13 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 100 पर पहुंच गई है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 1,14,556 सैंपल की जांच में ये रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल। राज्य में उत्पाद कोर्ट के आधारभूत संरचना के संबंध में बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई में राज्य के उत्पाद कोर्ट के लिए आधारभूत ढांचे के संबंध में राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर विस्तृत जानकारी देने का आदेश जारी कर दिया है। इसी को लेकर कोर्ट ने जानना चाहा कि कोर्ट के गठन के समय से अब इतनी देरी क्यों हो रही है, जिसके बाद ही अगली सुनवाई 28 मार्च 2022 को बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली जीत पर पटना में बुलडोजर पर निकला जुलूस। बीते दिन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी हो गया। इसके बाद ही जहां कांग्रेस में मायूसी देखने को मिली, वहीं आम आदमी पार्टी के बीच जश्न का माहौल दिखा, जिसका प्रभाव राजधानी
पटना में भी देखने को मिला। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी परिणाम आने के बाद पार्टी ने किदवईपुरी स्थित पटना के प्रवेश कार्यालय में डाक बंगला चौराहे तक जुलूस निकाला। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और रंग गुलाल भी लगाया, साथ ही साथ ढोल नगारों के साथ नाचते गाते हुए दिखे। इसके बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंजाब तो पंजाब, अब पूरा बिहार बाकी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,250 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,630 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अशोक कुमार, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, मुन्ना मिश्रा, दीवान कुमार, मनीषा कुमारी, ज्योति यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी पटना में मानसून के मद्देनजर नगर निगम की व्यवस्था से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। पटना की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।